इलम खुद अपनी जात के अंदर निजात का जरिया नहीं है। एक शख्स को ये बात पता है कि नमाज फर्ज है, इस इलम पर उसकी निजात नहीं है जब तक कि नमाज को अमली तौर पर पढ़ के नहीं दिखाता है। बिल्कुल इसी तरीके से उसको नमाज की फर्जियत का इलम, उसको रोजे की फर्जियत का इलम, उसको जकात की फर्जियत का इलम, उसको हज की फर्जियत का इलम, उसको हुदूद शरीयत का इलम है, लेकिन उस इलम पर अमल नहीं है तो वो नफ्से इलम उसके लिए निजात का बाइस नहीं। तो मालूम है कि इलम अपनी जात में मतलूब नहीं है, बल्कि इलम के जरिए से अमल करना मतलूब है।